just because Musliman community में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? Why not? So I'm so sorry to say that. आपने पर्दा किया है कॉटन से? I am कॉटन से पर्दा किया है. I am Muslim myself and मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है टूवर्ड्स दोस पीपल जो खड़े हो जाते हैं बुरखा बुरखा बुरखा. आई मीन शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो. तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरखे आदमियों को पहनाऊंगी मैं. एग्जैक्टली. तुम्हारे सवालों का मैं जवाब दूं, ये तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन तुमने मुसलमानों की और उनके खवातीन के पर्दा और लड़कों की नजर पर बात की, इसीलिए ऑन पब्लिक इंटरेस्ट तुम्हें जवाब दे रहा हूं. कान खोल कर सुनना, पूरे कपड़े पहनकर सुनना. आधे नंगे होकर सुनोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा. तुम्हारा पहला पॉइंट, मुसलमान कम्युनिटी में यह कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो तुम्हें यह बात हजम नहीं हुई. हाजिमा खराब है तुम्हारा. पर्दा और औरत की इज्जत की बात पसंद नहीं आई तुम्हें, क्योंकि तुम्हें नंगा फिरने का शौक जो उठ गया है. सुनो, मुसलमान कम्युनिटी अपने प्रॉफिट रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानती है और ख्वातीन को पर्दे का हुक्म प्रॉफिट ने दिया है. जो प्रॉफिट की बात नहीं मानते वो मुसलमान नहीं होते. तुम मुसलमानों के प्रॉफिट के हुक्म पर सवाल उठा रहे हो, बेशरम, बेहया, आवारा. तुम्हें ऐसे कई जुमलों से पुकार लूं तो भी कम है. तुम सबसे पहले अपने आप को मुसलमान बोलना छोड़ दो और नाम बदल लो, या फिर अपने आप को बदल कर सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ. तुम्हारा दूसरा पॉइंट, लड़कों को आंखों पर पर्दा और लड़कियों को खुलेआम घूमना चाहिए. बेशरम, बेहया, आवारा. सबसे पहले लड़कियों को आवारा घूमना ही नहीं है, नंगे होकर या हिजाब में वो सब बात की बात है. और रही लड़कों की आंखों पर पर्दा डालने की बात, तो मुसलमानों में लड़कों को यह हुक्म दिया गया है कि औरत पर एक नजर पड़ जाए तो दूसरी नजर नहीं डालनी चाहिए. तुमने कहा कि शर्म करो तुम लोग कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो, तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? बेशरम, बेहया, आवारा, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? किस चीज को देखकर लड़कों को पर्दा करने की बात कर रहे हो? एक बात बताओ, तुम जो आधी नंगी होकर निकलती हो वो किसको बताने निकलती हो? लड़कों पर तो शर्म और तहजीब लिहाज का पर्दा है ही, तुम तुम्हारा आधा नंगा जिस्म लेकर किसे बताने की कोशिश करते हो? और सुनो, औरत को खुदा ने इस तरह बनाया है कि मर्द उसे देखकर उसकी तरफ खींचा चलाए. सेक्स अपील होती है औरत में कंपेयर टू मेल्स. इसीलिए हुक्म है कि अपनी खूबसूरती, अपना जिस्म, अपना अट्रैक्शन, अपने ये लिपस्टिक वाले लिप्स और ये अपनी चटक मटक सिर्फ अपने घर में अपने हस्बैंड के लिए रखें, ताकि वो तुम्हारे करीब आए, तुम्हें चाहे, तुम उससे और वो तुमसे सुकून हासिल कर सके. लेकिन तुम लोग तो घर के बाहर सरे आम निकलकर बनावटी मेकअप लिपस्टिक से मर्दों को अट्रैक्ट करने में लगे हो और आधा जिस्म बताकर लुभाने की कोशिश करते हो. जितने ज्यादा मर्द तुम्हें देखें और तुम्हारी तारीफ करें, तुम उतना ही खुश. बेशर्मी, आवारगी और बेहयाई है ये. तुम बताने के लिए बाजार में निकलोगी और कोई देखना नहीं तो तुम फिर ऐसे आधे नंगे और झूठा मेकअप करके किसके लिए निकलते हो? मूवी स्क्रीन्स पर नंगापन बताकर ऑडियंस से पैसे कमाना फिल्म मेकर्स का पेशा है, लेकिन तुम लोग तो ऑफ स्क्रीन फ्रेम में से निकल गई हो और बात करती हो मजहब की. तुम जब अपनी नुमाइश दो कौड़ी की शोहरत के लिए सरेआम पब्लिक में पब्लिक के लिए करते हो तो मुफ्त में कोई भी तुम्हारा तमाशा देखेगा. क्या तुम तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई और बाप के सामने भी ऐसे ही आधे नंगे निकलते और उनको भी यही कहा जाता है कि आंखों पर पर्दा डाल लो डैडी, आंखों पर पर्दा डाल लो भैया, मैं तो बताते फिरूंगी. सबके आंखों पर बुरखा लगाकर तुम आधे नंगे क्यों फिरना चाहते हो पहले ये बताओ. क्या आधे नंगे फिरना तुम्हारा शौक है या धंधा? क्या कभी सुना है तुमने कि किसी मर्द का औरत ने रेप किया? क्या ऐसा कोई कानून या सजा भी है लड़की के लिए कि मर्द का रेप करती हो तो?
एक मर्द को बाजार में नंगा फिराओ और उसके साथ साथ एक औरत को भी बाजार में नंगा फिराओ, फिर देखो 9 महीने बाद उल्टियां किसको होते और पेट किसका निकलता। अपनी खूबसूरती, अपनी जवानी, अपना जिस्म अपने हस्बैंड की अमानत होती, उसी के लिए रखो। और अगर हस्बैंड नहीं भी है ना, तो हर मर्द को ऐसे खुले ऑफर देते मत फिरो, या फिर अपने आप को डिक्लेयर कर दो कि तुम लोग एक मर्द के नहीं हो और हर मर्द की नजर तुम पर पड़े, ये तुम्हारा शौक है। एक तरफ इज्जत शराफत के नाटक और दूसरी तरफ आवारा और नंगापन, कौन इज्जत करेगा तुम्हारी और क्यों करेगा? तुम खुद अपनी इज्जत बाजार में नीलाम करने निकली हो तो। तुम्हारा एक और सवाल था, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया, वरना तुम आते कहां से? बेशरम, बेहया, आवारा, इज्जत उनकी होती है जो बंद कमरे में एक से पैदा होते और पैदा करते। बाजार में खुले आम बर्थ मैन्युफैक्चरिंग टूल के प्रेजेंटेशन देते फिरेंगे और हर एक को ट्रायल और डेमो देंगे तो प्रोडक्शन वैल्यू की रेस्पेक्ट नहीं होती, यूज एंड थ्रो हो जाता है वो प्रोडक्ट। हर औरत को खुदा ने पैदाइश से ही इज्जत बख्शी है और मर्द को इज्जत कमानी पड़ती है। औरतों के लिए खुदा की बहुत बड़ी नेमत होती है इज्जत, जो डायरेक्ट खुदा से मिलती है। ये खुदा की अमानत होती है जो हर औरत को खुद संभाल कर रखना पड़ता है। अपनी माँ से पूछना कभी कि तुम पैदा होते ही तुम्हें दुनिया वालों के सामने लाने से पहले तुम्हारी माँ ने कपड़े से तुम्हें क्यों ढांक लिया था। पूछो अपनी माँ से कभी कि तुम्हें नंगा क्यों नहीं छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ को पता था कि तुम पैदा होते ही इज्जत लेकर आई हो और तुम्हारी माँ ने उसे कपड़ा ढांक कर संभाला, और तुम आज बड़े होते ही वही कपड़े उतार कर जिस्म की नुमाइश करते फिर रहे हो जिसको तुम्हारी माँ ने लपट कर दुनिया से बचा रखा था आज तक। आज तुम उसी को दुनिया वालों के लिए नुमाइश बना रहे हो और कह रहे हो कि देखने वालों आंखों पर पर्दा डाल लो, मैं तो दिखाऊंगी। तुम्हारा औरतपन, तुम्हारी शर्म, तुम्हारी हया, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वखार जो तुम्हारे माँ बाप संभाल के रखे थे, आज तुम खुद उसे 2 कौड़ी की शोहरत के लिए नीलाम कर रही हो और बुरखा पर्दा और मर्दों की नजर पर बात करती हो। क्या कोई मर्द तुम्हारे घर में आके झांक रहा है या तुम खुद बाजार में सरे आम खुले नंगे निकल रहे हो? पहले खुद कंट्रोल में रहो, बाद में दूसरों के लिए कहना। तुम जैसे लड़कियों की तरफ से औरत जात और मजहब बदनाम होते हैं, तुम जैसे लड़कियों की तरफ से मुआशरे में तबाही हो रही है, तुम जैसे लड़कियों की तरफ से शरीफ पढ़े लिखे इज्जतदार लड़कियों पर फर्क पड़ रहा है। नासूर हो तुम मजहब और मुआशरे के लिए। तुम जो चीज बताकर 2 कौड़ी की शोहरत हासिल करना चाहती हो ना, उससे सस्ती चीज दुनिया में कोई नहीं है। टिश्यू पेपर की तरह हो, पहुंच कर फेंक देंगे। अपनी ना सही, कम से कम तुम्हें जो पैदा किए उन माँ बाप की इज्जत की तो परवाह कर लो तुम। बहुत कुछ और बहुत अलग अंदाज में बोल सकता हूँ मैं तुम्हारी ऐसी हरकत पर, लेकिन लिहाज करके इतना ही बोल दिया, ये समझो मैं तुम्हारी इज्जत ही किया औरत होने की। आगे ख्याल रहे।